मैं टीचर भी हूँ और मैनेजमेंट का भी हेड हूँ इस समय, सीईओ एमडी दोनों हूँ। पहले मैं डेलीगेट नहीं कर पाता था काम, परफेक्शनिस्ट हूँ, मुझे लगता था कि ये उतना अच्छा काम कर नहीं पाएगा, हमेशा ऐसा लगता था। फिर धीरे धीरे वो आदत बदली, अब मैं डेलीगेट कर लेता हूँ। अगर आपको डिसेंसी के फायदे समझ में आते हैं, डिसेंसी को लेके एक मैच्योर चिंतन है, जैसे मुझे कम से कम ऐसा कभी नहीं लगता कि डिसेंट होने की वजह से मुझे कोई नुकसान हो गया या उसकी वैल्यू नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं, मैं एक उद्यमी भी हूँ, जैसे आपने कहा कि आप उद्यम में फेल हुए, मैं उद्यम में ठीक ठाक सफल हूँ। क्यों हूँ, मुझे शुरू में आइडिया नहीं था इस बात का। हमने जब दृष्टि की शुरुआत की, मैं अकेला टीचर था, टीचिंग स्किल्स सेंटर में रही होंगी शुरुआत में, निश्चित तौर पर रही होंगी। जी तो हम पॉपुलर होते गए, रिजल्ट्स अच्छे आते गए, पॉपुलर हुए। मेरी वाइफ मैनेजमेंट संभाल रही थी और दो चार लोग बड़े अच्छे थे, हम सब ने मिलकर काम किया, टीचिंग मेरे पास था। और ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट्स की दुनिया में टीचिंग कोर स्किल होती है शुरुआत में, पर 2011 के बाद से हमारा दृष्टि का सेक्टर चेंज हुआ और अब हमारी टीम में करीब 110 टीचर्स हैं, 1800 मेंबर्स काम करते हैं दृष्टि में। मैं टीचर भी हूँ और मैनेजमेंट का भी हेड हूँ इस समय, सीईओ एमडी दोनों हूँ। पहले मैं डेलीगेट नहीं कर पाता था काम, परफेक्शनिस्ट हूँ, मुझे लगता था कि ये उतना अच्छा काम कर नहीं पाएगा, हमेशा ऐसा लगता था। फिर धीरे धीरे वो आदत बदली, अब मैं डेलीगेट कर लेता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि हम लोग सफल हुए कम समय में, ठीक ठाक सफल हुए। हम कितने सफल हैं, 2-3 साल में इसका अंदाज़ा हमें भी होगा, जब कोई मार्केट वैल्यूएशन वगैरह हमारा होगा, आईपीओ वगैरह कुछ होगा, ऐसा हमारी टीम कोशिश कर रही है। पर अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या राज है आपके पास, अगर मुझे एक बताना हो तो केवल ये है कि टॉप पर मैं बैठा हूँ और मैं अपने किसी भी एम्प्लॉय से बदतमीजी से बात नहीं करता हूँ। अच्छे अच्छे लोग जिनको शायद हमसे ज़्यादा पैकेज कहीं मिल जाएगा, आमतौर पर नहीं जाना चाहते। उनको ये पता है कि यहाँ पैकेज भी अच्छा मिलेगा, वन ऑफ द बेस्ट मिल जाएगा मार्केट में, काम की कंडीशंस शानदार मिलेंगे और सबसे बड़ी बात है सम्मान मिलेगा। हमारी कंपनी का पियोन भी जब मुझसे बात करता है, उसको ये भरोसा होता है कि मैं एक सम्माननीय व्यक्ति हूँ और कभी गलत नहीं हूँ। ये टॉप मैनेजमेंट के साथ भी होता है। टीम मैनेजमेंट ही अकेली स्किल है एक लेवल के बाद, अगर आप टीम बना सकते हैं और चला सकते हैं। और ह्यूमन साइकोलॉजी का बुनियादी प्रिंसिपल है कि जब किसी व्यक्ति की आर्थिक ज़रूरतें ठीक ठाक पूरी हो जाती हैं, फिर वो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता है, फिर उसके लिए सम्मान पैसे से प्राथमिक हो जाता है। आप किसी का अपमान करके अपने साथ काम नहीं करवा पाएंगे यदि वो फाइनेंशियली इतना स्टेबल है कि आपके बिना 1-8 साल काम चला सकता है बिल्कुल और कहीं काम ढूंढ ले उस बीच में। तो डिसेंसी के कितने फायदे हैं, मेरी शानदार टीम मेरे साथ काम कर रही है, मेरी एक निर्देश पे हर चीज़ करने को तैयार हो जाती है, ये सारा डिसेंसी का फायदा है। और इट इज़ गुड टू बी गुड यहाँ पे साबित हो रहा है, अल्टीमेटली फायदे की बात, कोई नुकसान की बात नहीं है। ये जरूर है कि किसी ने कचरा फेंका, डिसेंट आदमी चुप रह जाता है, ये होता है,